नमस्कार, स्वागत है आपका आज इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान नारका। सुनते हैं आज की खास खबरें। गर्मजोशी के साथ हाजी जायरीनों का किया गया इस्तकबाल, दी गई विदाई। आपको बता दें, सुबह फजर की नमाज के बाद से हज हाउस में रौनक थी। हाजियों के पहले कारवा को विदा करने से पहले दुआ पढ़ाई गई और मुकद्दस सफ़र में आसानी रहे इसकी नसीहत दी गई। आज इंदौर हज कमेटी के जिला अध्यक्ष रशीद शेख ने बताया, हज यात्रियों के पहले काफिले को विदा करने प्रमुख रूप से राज्य हज कमेटी के रफत वारसी विधायक रमेश मेंदोला, शहर काजी इसरत अली, खुरासान पठान डॉक्टर रिजवान पटेल की खास मौजूदगी में हज कमेटी द्वारा जायरीनों का गर्म जोशी से इस्तकबाल कर सुबह 8:26 पर बस द्वारा हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए विदाई दी गई। अल्लाह के मुकद्दस घर काबा की जियारत की हसरत के साथ आज मुसाफिरों का पहला काफिला रवाना हुआ। हज जायरीनों ने कहा, मक्का मदीना पहुंचकर खास तौर पर देश की अमन खुशहाली व तरक्की भाईचारे के लिए दुआ मांगेंगे। पहली फ्लाइट गई, क्या इंतज़ाम थे? आज हज के लिए पहली फ्लाइट रही और कुल 137 हजी जो है हजी सफर के लिए रवाना हुए हैं, जिसमें हमारी कमेटी की तरफ से, इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से सभी व्यवस्थाएँ की गई। हजियों के लिए नाश्ते की, खाने की व्यवस्था की गई थी, रिहाइश की व्यवस्था है। इसके अलावा सुबह बसों में ले जाकर उनको उनकी सभी व्यवस्थाओं के साथ एयरपोर्ट तक उन्हें ड्रॉप किया है और तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस खिदमत में हिस्सा लिया। कौन कौन लोग शरीक हुए थे उनको हरी झंडी दिखाने के लिए? बस इसमें हरी झंडी के लिए और दुआओं के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे, रफत वारसी जी, शेर काजी इसरत अली साहब रहे हैं और जनाब हसन प्रधान साहब रहे हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक अमीश मंदोला जी रहे हैं और तमाम अल्पसंख्यक मोर्चे से और मुस्लिम कम्युनिटी के वरिष्ठ जन का भरपूर सहयोग रहा। आपका परिचय? मेरा नाम राशिद शेख, जिला हज कमेटी इंदौर अध्यक्ष हूँ।